हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी सेकंड ईयर का जूलॉजी। हम देख रहे हैं ब्रेंचियोस्टोमा सीरीज, यानी ब्रेंचियोस्टोमा का हमने अभी तक दो क्लास देख लिया है, ये तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में टॉपिक आता है हमारा बॉडी वॉल के बारे में, तो आज हम करेंगे स्पेशली इसी ब्रेंचियोस्टोमा यानी एम्फोक्सिस लैंसिलेट का हम बॉडी वॉल देखेंगे, कैसा बॉडी वॉल स्ट्रक्चर कहता है ये, इसका वीएसएस मतलब वीएस स्पेशल है, क्या है वीएस यानी उधर कार्ड इसको बोलते हैं, ठीक ऐसे लिया गया है और इधर से हम दोनों तरफ से कार्ड किसको दिखा रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर की सहायता से हम ब्रेंचियोस्टोमा का पूरा का पूरा बॉडी वॉल की कंडीशंस और उसमें कौन कौन से ऐसे टिश्यूज डेवलप हैं जो सही तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं उसके बॉडी वॉल को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका पीछे का क्लास छूटा हुआ है तो ये लगभग 30 या 31 क्लास होगा इस जूलॉजी के सीरीज का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में स्पेशल अपने जूलॉजी एंड बॉटनी के क्लासेस को मैं जो अपडेट किया हूँ आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं कि बॉडी वॉल क्या कहता है स्पेशल ब्रेंचियो सीरीज में। ठीक, अब देखो मैं लगातार आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक, और वीडियो को शेयर कर दो, अलग अलग जगह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट इसका मिलना चाहिए कि हाँ बीएससी के कोई क्लासेस है जो लगातार रोज अपडेट देता है। अभी देखो मैंने देखा है यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो अपडेटेड नहीं होती, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक क्लास का, चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, सबका एक क्लास कम से कम जूलॉजी या बॉटनी रोज अपडेट करता हूँ, जिससे आपको सही तरीके से एक क्लास तो रोज मिल ही जाए कि आप अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए चलते हैं इसी सीरीज पे। अब देखो जो हमारा ब्रेंचियोस्टोमा है, मतलब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेंचियोस्टोमा है, ठीक, ब्रेंचियोस्टोमा में इसकी जो बॉडी वॉल की कंडीशंस होती है यदि हम बाहर से देखें तो उनको थ्री टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, जब थ्री टाइप इसको डिवाइड करते हैं तो पहला जो टाइप्स होता है या पहला भाग होता है वो होता है हमारा स्किन। क्या होता है, स्किन होता है जो काफी पतला होता है, काफी स्मूथ होता है, पारदर्शी होता है, हम आर पार देख सकते हैं, काफी मुलायम होगा, स्मूथ होगा, कोमल होगा और काफी पतला होगा, यानी उसकी थिकनेस काफी कम होगी, ऐसा होता है उसका आउट ऑफ लेयर। दूसरी बात कर ले, जो दूसरा होता है वो स्पेशल एक डेवलप मस्कुलेचर पाया जाता है। क्या होता है, एक डेवलप मस्कुलेचर यानी मसल्स ढेर सारा स्थित होता है जस्ट स्किन के नीचे वाले कंडीशन की बात कर रहा है। अब देखो हमने दूसरा देख लिया मस्कुलेचर, जो तीसरा टॉपिक कहता है, तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कि जिसका फॉर्मेशन होता है उसमें हमारा पेरिटोनियम काम करता है। पेरिटोनियम के बारे में बताया था बट यहां पे भी बताऊंगा कि जो पेरिटोनियम होता है वो भी इनमें पाया जाता है एक पतली सी लेयर के साथ। तो आपको याद रहे कि जो ब्रेंचियोस्टोमा का स्पेशल बॉडी वॉल है उसके थ्री पार्ट्स होते हैं या तीन भाग होते हैं, पहला भाग स्किन, दूसरा भाग स्पेशल मस्कुलेचर, तीसरा भाग पेरिटोनियम के बारे में। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं देखते हैं पहले पार्ट्स को, हम फिगर आएगा तो फिगर को बताते रहूंगा। ठीक, अब स्किन को देखते हैं, जो कि देखो स्किन क्या है, स्किन हम ये कह ले कि स्किन में पर्टिकुलर एक क्या होता है, बेसमेंट क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, या कह लें कि जो स्किन होती है वो आधार कला यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होती है, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तो मैंने कहीं लिखा नहीं बट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो ये लेयर पतली सी दिखाई दे रही है ये हमारी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसपे पूरा का पूरा स्किन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा स्किन टिका हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इतना तो क्लियर हो गया। अब जो स्पेशल इस पे उपकला टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, उपकला टिश्यूज सेल के फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे एपिथेलियल क्या है, एपिथेलियल सेल पाया जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा ये जो एपिडर्मिस होते हैं, क्या होते हैं, ये जो एपिडर्मिस बनते हैं वो एपिथेलियल सेल से बनते हैं। ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा स्किन होता है ब्रेंचियोस्टोमा में वो एक पतली सी लेयर के साथ एक उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यूज या फिर सेल के साथ मिच्योर तरीके से बनता है, जो काफी पतली सी लेयर बनाता है, हम इन्हें अर्धचर्म एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, इस एपिडर्मिस को हमने क्लियर कर लिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन देख लिया कि जो हमारा स्किन होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिका होगा और स्पेशल उसमें एपिडर्मिस यानी एपिथेलियल
टिश्यूज मिलकर, सेल्स मिलकर एक टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, वो टिश्यूज एक पतली सी लेयर बनाते हैं और वही लेयर हमारा आगे चलकर एपिडर्मिस कहलाता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो हम ये देखते हैं कि जब ये कह लो कि चाइल्ड स्टेज में या चाइल्ड में होता है, चाइल्ड स्टेज में होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिया लगे होते हैं। क्या होते हैं? सिलिया लगे होते हैं। ऐसा देखो ये दिखा है, सिलिटेड दिखाई दे रहा ना, तो ये सेंसरी आर्गन है, बट ऐसा हम मानते हैं कि इनमें ढेर सारे सिलिया दिखाई देते हैं। बट कब दिखाई देते हैं? जब वो चाइल्ड स्टेज में होता है तब। याद रखिएगा, जब ये चाइल्ड स्टेज में होता है तो यहाँ सिलिया पाया जाता है, बट जैसे जैसे ये एडल्ट होता है, कौन? ब्रेंचियोस्टोमा, जैसे जैसे एडल्ट होगा वैसे वैसे इसमें स्पेशल सिलिया लुप्त हो जाएगा या गायब सा हो जाएगा या फिर अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। बट अनेक स्थानों पे, बट कहीं कहीं देखा जाता है कि इसी एपिडर्मिस के पोर्शन में देखते हैं कि, बट कहीं कहीं देखते हैं कि इनमें काइटिन सदृश, क्या होते हैं? काइटिन सदृश एक पतली सी लेयर होती है। क्या होती है? एक पतली सी लेयर होती है जो कलरलेस होती है। इस चीज को याद रखेगा कि इस पे क्या होती है, इस पे काइटिन की लेयर पाई जाएगी ऊपर की ओर, जो कैसी होती है? कलरलेस होती है। वो काफी नॉर्मल थिकनेस के साथ आती है। क्या होती है? नॉर्मल थिकनेस के साथ आती है, बट बीच बीच में कई स्थानों पे कटी रहती है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पोर्शन मैं बनाया हूं यहाँ पे, क्या स्टूडेंट, मैं जो यहाँ पे पोर्शन बनाया हूं, ये पोर्शन देखो, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे काइटिन नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? काइटिन नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि स्पेशल यहाँ पे पोर होते हैं। क्या होते हैं? पतले पतले पोर होते हैं, और ये पोर क्या करते हैं, बाहर की ओर कह लो कि म्यूकस जैसे मटेरियल को सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? म्यूकस जैसे मटेरियल को सिक्रेट करते हैं। इस चीज को याद रहेगा, क्लियर हो गया? म्यूकस जैसे मटेरियल को सिक्रेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये देखेंगे इसी एपिडर्मिस पार्ट्स में कि स्पेशल इनमें सेंसरी और सेल्स भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सेंसरी सेल भी पाए जाते हैं, जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये सेंसरी सेल होते हैं। अब जानते हैं कि सेंसरी सेल क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है, यानी कह ले कि आउट ऑफ स्किन से, मतलब स्किन की बाहरी लेयर जो है, या फिर कह लो कि जो हमारी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल का जो बाहरी लेयर है, आउट ऑफ लेयर है, वहां पे स्किन है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर में जितने भी मैसेजेज हैं उनको रिसीव करने के लिए यही सेंसरी ऑर्गन लगातार वर्क करता है। इतना तो क्लियर हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये देखते हैं कि इसमें ग्लैंड सेल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड सेल पाए जाते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये ग्लैंड सेल है, हमने बताया कि ये क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन कर रहे हैं। अब देखो ग्लैंड सेल है, ध्यान दीजिएगा, ग्लैंड सेल, और इनके बीच बीच में कभी कभी क्या होता है, इनके बीच बीच में ग्लैंड सेल होते हैं, बट याद रखिएगा इनमें ओवरिक सेल, मतलब स्पेशल क्रोमोसेल्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा एपिडर्मिस होता है, क्या होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक कठोर लेयर होता है। क्या होता है? एक कठोर लेयर होता है जो स्पेशल संयोजी टिश्यूज, मतलब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं, मतलब इस लेयर को आप कह सकते हो कि जो लेयर हमने नीले कलर से दिखाया है, ये किसके लेयर हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर हैं। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, इसको हम क्यूटस के नाम से जानते हैं। कैसा? क्यूटस, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये क्यूटस है। ठीक, तो ये कंपैक्ट लेयर की बात कर रहा है, तो ये क्यूटस जो है वो काफी हार्ड मटेरियल क्रिएट करता है, और ये किसका बना है, ये स्पेशल एक कनेक्टिव टिश्यूज का बना है, ये फाइबर जैसे स्ट्रक्चर के साथ आता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, स्पेशल जो हमारा एपिडर्मिस है, अब तो इतना क्लियर कर लिया ना मैंने। ठीक, अब एपिडर्मिस हमने क्लियर किया, एपिडर्मिस को जो नीचे का होता है, भाग होता है, उसमें जिलेटिनी, क्या होता है, जिलेटिनी मैट्रिक्स पाया जाता है। क्या होता है? जिलेटिनी मैट्रिक्स होता है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जिलेटिन मैट्रिक्स है जो स्पेशल इसी एपिडर्मिस के नीचे पाया जाएगा। ये जिलेटिनी मैट्रिक्स है, मतलब जिलेटिन का मैट्रिक्स पाया जाता है। इतना क्लियर कर लिया। और इसी में नर्वस सेल्स होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नर्वस सेल के बारे में मैंने लिखा, नर्व सेल ढेर सारे हैं, ये जो आपको फाइबर दिखाई दे रहे हैं ये नर्व फाइबर ही हैं। ठीक, अब नर्व फाइबर हो गया, हमने इतना तो क्लियर कर लिया। अब नर्व फाइबर के साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। हम इसे सब
क्या कहते हैं, सबक्यूस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? सबक्यूस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो मैं शायद सबक्यूस्ट कहीं लिखा नहीं हो, हाँ लिखा तो हूं यहाँ पे, किसको सबक्यूस्ट के नाम से, या फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं स्पंजो, क्या कहते हैं स्पेशली हम इसी के बारे में जाने तो ये बेहतर रहेगा। ये नाम आपके बुक में कहीं दिया नहीं होगा, ठीक, मैं इसका एक स्पेशल नाम दे रहा था। यहाँ पे सब क्यूस्ट ध्यान दीजिएगा, ये क्यूस्ट है और ये सब क्यूस्ट कहलाते हैं, जो स्पेशली क्या होते हैं, मोटी सी चर्म बनाते हैं, लेयर का डेवलपमेंट करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या देखा, क्यूस्ट और कौन क्यूस्ट, ये जो क्यूस्ट दिखाई दे रहा है ये, और ये दूसरा नंबर वाला जो दूसरा है सब क्यूस्ट, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, छोटे छोटे एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, और यही चलकर आगे क्या करते हैं, यही चलकर आगे स्पेशली एक हमारे बॉडी में यानी एक ब्रेंचियोस्टोमा के बॉडी में सब क्यूस्ट के स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के साथ साथ ये स्पेशल अकशेरुकी यानी जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा के समान होता है, बट क्योंकि नॉन कॉर्डेटा के समान इनकी बॉडी होती है, सिंपल होती है, बॉडी बहुत सिंपल है नॉन कॉर्डेटा के बेसिस पे, बट जैसे जैसे देखा जाता है क्योंकि इनमें उच्च मतलब हायर कॉर्डेटा के जैसे लेयर डेवलप होते हैं, मतलब ये जो लेयर का अरेंजमेंट है, ये लेयर अरेंजमेंट केवल कॉर्डेटा के अंदर ही देखे जाते हैं, नॉन कॉर्डेटा में ऐसे अरेंजमेंट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन कॉर्डेटा का अरेंजमेंट होते हुए भी एक कॉर्डेटा का डेवलप स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक। इतना तो हमने क्लियर कर लिया। अब ये फाइबर्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक। ब्लड वेसल्स मैंने बताया कि ये ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे किस पे, स्पेशल इसी मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे नर्व सेल होंगे, फाइबर के साथ होगा, बॉडी सेल होगा, ठीक। अब चलते हैं आगे, पार्ट फर्स्ट हमारा क्लियर हुआ स्किन। दूसरे नंबर पर चलते हैं मस्कुलेचर देखते हैं। क्या देखते हैं स्टूडेंट? मस, यहाँ पे मस्कुलेचर देखते हैं, इसको पेशी न्यास कहते हैं। क्या हिंदी में कहते हैं? पेशी न्यास। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो स्किन है, स्किन के ठीक नीचे स्पेशली हमारा स्थित होता है क्या, ढेर सारे पेशियां यानी मसल्स स्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बॉडी वॉल को एक बेस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी वॉल को एक बेस क्रिएट करते हैं। यदि हम स्पेशल इसके डार्सल सरफेस से देखें, क्या करें, डार्सल सरफेस से देखें, तो यहाँ पे ढेर सारे मसल्स हमको स्पेशल स्पाइनल कार्ड के बेसिस पे, या फिर कह ले कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड था उससे घिरा हुआ दिखाई देता है, ठीक। और जो इनके पेशियां हैं, मसल्स हैं, या मसल्स में पाए जाने वाले सारे विशिष्ट में, मतलब कह ले कि मसल्स इनमें जो पाए जाते हैं वो वी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? वी शेप के। इसको मायोटोम्स के नाम से हम जानते हैं। क्या करते हैं? मायोटोम्स के नाम से या मायोमियर्स के नाम से जानते हैं। तो मायोमियर्स पेशीखंड, या फिर इनको हम क्या कहते हैं, मायोटोम्स के नाम से जानते हैं। तो स्पेशल यहां पे मायोटोम्स के बारे में बता रहा है। तो ये पार्ट्स इसको क्लियर करता है कौन? हमारा मस्कुलेचर क्लियर करता है। क्या करता है? मस्कुलेचर क्लियर करता है। अब देखो जो वी शेप है, क्या है, जो वी शेप की हमारी साइज पाई जा रही है, ब्रेंचियोस्टोमा की बात करें तो ब्रेंचियोस्टोमा में ये 60 से 62 पर, क्या होते हैं, 60 से 62 आदि यहाँ पे हमारे मायोमियर्स दिखाई देते हैं। कितना दिखाई देते हैं स्टूडेंट? यहाँ से 60 से 62 कर लीजिएगा। क्या करिएगा? 62 मायोमियर्स दिखाई देने की या मायोटोम्स स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक। और बात करें तो इनमें पतली से लेयर लगी होती है। क्या होती है? इनमें पतली सी लेयर लगी होती है। वो जो लेयर बनी होती है वो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेयर बनी होती है, ढकी होती है जिससे, वो कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। आप देखो कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब होता है कि दूसरे टिश्यूज के साथ, क्या होता है, दूसरे टिश्यूज के साथ, या कह ले कि यहां पे जो हमारा मायोसेप्टा होता है, क्या होता है, सेप्टा होता है, उसके द्वारा अलग होते हैं। मतलब ये जो बने होते हैं किसके, संयोजी ऊतक के बने हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के बने हैं, बट इनमें हम एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, तो यहां पे मायोसेप्टा जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनसे हम टिश्यूज और मायोटोम्स को दोनों को अलग करते हैं, या मायोमियर्स जो हमारा है उनको अलग करते हुए दिखाई देते हैं। इतना तो क्लियर कर लिया। अब देखो जब आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में,
तो हमको क्या मिलता है, अब देखो हमने इतना देख लिया। अब इनका वर्किंग की बात करें, इनके स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं, ठीक। अब देखो इनका जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो डेवलपमेंट होता है, हम देखे हैं कि इनमें स्पेशली ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑट्रियम होता है, क्या होता है, ऑट्रियम होता है, इनका कार्य देखिएगा, ये क्या करते हैं, ये स्पेशल ट्रांसफर मसल्स जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आप देखने कि ट्रांसफर स्ट्रक्चर जैसे ढेर सारे मसल्स पाए जा रहे हैं, और इनका जो वर्किंग होता है वो संकुचन, यानी जो सिस्टोल और डायस्टोल की एक्टिविटी होती है, यहाँ पे सिस्टोल की बात करेंगे, सिस्टोल जो होता है आट्रियम जो हमारी होती है, आट्रियम सिलोम, क्या होती है, आट्रियम सिलोम में स्पेशल जब वाटर मॉलिक्यूल्स आट्रियम के छिद्र में द्वारा बाहर निकालने में सहायता करता है, मतलब जब कभी भी आट्रियम पोर में या आट्रियोपोर में क्या आता है, हमारा क्या आ जाएगा, ब्लड सॉरी वाटर आ जाता है, तो ये क्या करता है, वाटर को बाहर, पूरे जल को आट्रियम पोर से या आट्रियोपोर द्वारा बाहर की ओर निकालने में सहायक होता है। तो नोट कर लीजिएगा इसके स्पेशल वर्किंग के बारे में, किसके स्पेशल, यहां पे मस्कुलेचर की बात कर रहा हूं, लिख लेंगे, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जो हमारा मस्कुलेचर होता है वो क्या करता है, जो आट्रियम सिलोम होता है, क्या होता है, आट्रियम सिलोम होती है, उसमें से या आट्रियम पूरी कैविटी होती है, आट्रियम कैविटी के अंदर जो हमारा वाटर पाया जाता है उसे आट्रियोपोर द्वारा बाहर निकालने में सहायक होता है, कौन हमारा, यही मस्कुलेचर। आगे बात करेंगे तीसरे नंबर पे, तो आ जाएगा पेरिटोनियम के बारे में। जो पेरिटोनियम स्टूडेंट है वो क्या है, स्पेशल हमारा, हमने देखा क्या कि हमारे जो मसल्स लेयर होते हैं, निक पेशी स्तर होता है, ये पेशी स्तर का सबसे इनर लेयर बनाता है, क्या बनाता है, पेशी स्तर का सबसे इनर लेयर पर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, क्या होती है, पेशी लेयर के इनर पार्ट्स पे एक पतली सी लेयर पाई जाती है, उसी लेयर को हम पेरिटोनियम लेयर के नाम से जानते हैं, क्या करते हैं, पेरिटोनियम के लेयर्स जानते हैं, और इसके कार्य की बात करेंगे, इसके फंक्शंस की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, क्या होता है, जो हमारा फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का जो एरिया होता है, आपने नहीं देखा होगा तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि फेरिंग्स कहां पे स्टेबल है, इसी ब्रैंचियोस्टोमा में, तो फेरिंग्स जो एरिया होता है वहां में लगातार, क्या होता है, वहां पे लगातार ये क्या करता है, कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में सीमित रहता है, मतलब ये कह ले कि यहाँ पे इसकी बॉडी में तो मिल रहा है, बट जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स में ये ज्यादातर अच्छी तरीके से देखे जाते हैं, और इनका जो कार्य होता है वो इनर साइज को, मतलब इनर लेयर को सही तरीके से डेवलप करना और उनका प्रोडक्शन करना, कि बाहर के आए हुए पार्टिकल्स इनके इनर साइड पे कुछ दिक्कत या फिर कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो देखो मैंने आपको एक चीज कहने के लिए भूल गया कि इस फिगर का स्क्रीनशॉट कर लो, वैसे मैं ज्यादा खिचपिच नहीं किया हूं, आप एक क्या करो, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट कवर कर लो। देखो स्क्रीनशॉट कवर करने के लिए इसलिए बोलते हैं हम कि आप फिगर को बाद में सही तरीके से बना पाओ, क्योंकि मैं स्पेशल जो क्लास लाता हूं वो फिगर के बेसिस पे लाता हूं कि आपको हर एक चीज सही तरीके से दिखाई दे, और फिगर बनाने की कोशिश भी करता हूं कि आप सही तरीके से फिगर को देख सके। तो का स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो हमने क्या डील किया है आज, स्पेशल यहां पे बॉडी वाल, ये क्लास काफी बेसिस रहा है इसके, और कह लो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस बेसिस पे आते हैं, हमने डील कर लिया। ये 2018 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी है यहां पे 2018 के जैसे सिलेबस में आया था, ठीक। अब बात कर ले स्पेशली आगे जो हमारा क्लास होगा वो स्केल्टन पे होगा, ये भी 2018 और स्पेशल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम उनको डील करेंगे अगले क्लास में, किसको, स्केल्टन यानी कंकाल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।